उत्तर प्रदेश हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के कई प्रतिभाशाली कलाकारों, लेखकों और तकनीशियंस का गढ़ रहा है। पिछले कई सालों से यह राज्य और इसकी राजधानी लखनऊ कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, ओटीटी कंटेंट और अब एक टेलीविजन शो के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। पिछले साल 30 मार्च को NTV ने लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित सिचुएशन कॉमेडी अरे भाई क्या चल रहा है को लॉन्च किया था। पूरी तरह लोकल प्रोडक्शन यूनिट और आकांक्षा शर्मा उर्फ सकीना मिर्जा, फरहाना फातिमा उर्फ शांति मिश्रा, पवन सिंह उर्फ जफर अली मिर्जा और अमरीश बाबरी उर्फ रामचंद्र मिश्रा जैसे कलाकारों के साथ हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल इंडस्ट्री में एक नई मिसाल पेश की है। और अब इस शो ने एक साल पूरे कर लिए हैं, तो पूरी टीम ने एक साथ मिलकर इन यादगार पलों का जश्न मनाया। हमारी टीम ने बेइंतहा मेहनत करी है, अभी तो कुछ नहीं है। हम लोग जब 44-45 डिग्री रहा तो खुले में बिल्कुल शूटिंग किया और उसके फायदे ये हुए कि आज हम लगभग साल पूरा कर लिया है। साल हुई गया, आधा महीना हुई गया। और जो दो परिवार हैं उसमें हम लोगों का एक फोकस रहता कमेटी के साथ साथ संदेश का भी, जिसमें हमारी सकीना जी का चुलबुलापन दिखाई पड़ता होगा। कोई भी बात इनकी एक बार में समझे में नहीं आती है, ये इनकी एक अपनी स्टाइल है। शांति जी की एक अपनी स्टाइल है, हर बात में इनका लो फिर और सुन लो, देखने वाली चीज में भी ये सुन लो करके। मिश्रा जी तो फेमस पर्सनालिटी है हमारे, पवन भाई 50 सीरियल और पिक्चर। अगर भाषा की बात करें तो लखनऊ कानपुर की जो भाषा है, इसमें फिल्में भी बन रही है, वेब सीरीज भी बन रही है और कई सारे सीरियल भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे देश में अब लोगों को पसंद आ रही है, इसी वजह से इस तरीके की चीजें आगे बढ़ रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को पसंद आ रहा है और लखनवी अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चलना चाहिए आगे। मिर्जा जी जो पहचान है लखनऊ की, नवाबों का शहर कहा जाता है, और आपको मौका मिला है मिर्जा फैमिली का किरदार निभाने का, किस तरीके से क्या लखनऊ के नवाबों का कुछ आपने सीखा है, क्या उसको भी अपने अंदर उतारा है और इसमें आप पेश कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब नवाब लोग बात करते हैं तो बड़ी तहजीब के साथ, बड़े आराम से करते हैं, उनको जल्दबाजी कुछ नहीं होती, वो आराम से करेंगे, आराम आराम से करेंगे। तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर ढालने में थोड़ा वक्त लगा, जबकि मैं बहुत फास्ट फास्ट करता था जल्दी जल्दी, अब थोड़ा धीरे आराम आराम से, लेकिन बड़ा मजा आ रहा। तो कितना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हुआ या आसान हुआ, या फिर एक कैरेक्टर के हिसाब से ये आपका काम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी रोल? देखिए ये बात तो सच है कि रोल के लिए अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी कर सकेंगे, और अच्छी बात है, ये चैलेंजेस आने चाहिए तभी एक एक्टर अपने आप को दिखा सकता है कि वो किस तरह से हर किरदार में ढल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हटकर था मेरे लिए, लेकिन आई एक्सेप्टेड इट, इसको एक चैलेंज की तरह मैंने लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब ये किरदार निभाया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस किरदार में कितना कुछ करने के लिए था। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपने इस किरदार को, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जिसके लिए था सकीना जी, सकीना बनी है तो बिल्कुल परफेक्ट है, और मेरे लिए शांति भी अच्छा था, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें मुझे बहुत सारे फेवर्स मिल रहे हैं। लखनऊ का जो अपना कल्चर है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उर्दू से ही रिलेटेड है, तो आप सभी जानते हैं कि अवधी भी एक इसका बहुत बड़ा पार्ट है, तो मुझे इसमें अवधी वाला जो टच है वो बोलने का मौका मिलता है। अक्षत सकीना का किरदार है बाबा के, उर्दू जबान का भी इस्तेमाल ज्यादा हुआ है ये आपके किरदार के मुताबिक, कैसे आपने इसको मैनेज किया जबान को लेकर, खास तौर पर जो आपका किरदार है बिल्कुल बखूबी आप उस पर ढल गई, कैसा लग रहा है? अभी मुझे लगता है पूरी तरीके से नहीं ढली हूँ, क्योंकि बहुत सीखने की जरूरत है अभी भी, लेकिन इस पूरे देखा जाए तो पूरे सीरियल में मुझे सब लोगों ने हेल्प की, स्पेशली फराना ने बहुत हेल्प की क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, तो अभी भी है और ट्राई करूँगी कि आगे भी थोड़ा और अच्छा कर पाऊँ। डिफिकल्ट तो रहा है ऑफकोर्स, और आगे भी रहेगा, इम्प्रूवमेंट की काफ़ी हद तक गुंजाइश हमेशा ही रहती है एक्टर को, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं सीख चुकी हूँ, अभी भी चल रहा है और आगे भी करती रहूँ, पर हाँ मज़ा बहुत आ रहा है। हमारे बीच में तो बेसिकली हवेली है जो जिसके कागजात किसी के पास नहीं है, बस यही बोलते रहते हैं हम सब कि हमारे पूर्वज रहते थे, ये बोलते हैं इनके पूर्वज रहते थे, तो यही एक स्टोरी है कि हवेली में लड़ाई झगड़ा है कि इनको बाहर निकालना है, इनको बाहर निकालना है, लेकिन ये है कि जब ये कहीं चले जाते हैं तो सूना सूना भी लगता है, वही पड़ोसी वाली बात है कि पड़ोसी से झगड़ा भी है मोहब्बत भी। न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।